1.5 mm क्रोशेट हुक का यूज़ करूँगी और फोर एक ही वूल है तो शॉल जो है हमारी 3 के मल्टीपल में हमने स्टिचेस लेनी है। तो यहाँ पे मैं 33 स्टिचेस लेकर आपको ला के तरीका बताऊँगी शॉल के। देखते हैं 33 चेन्स ली हैं। अब यहाँ पे वन चेन एक्स्ट्रा करेंगे, 1 2 स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन स्टिच में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, सिंपली आप हर स्टिच में डबल क्रोशिया लेकर रोक कंप्लीट करना है। ये देखिए फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो में 1 2 3 चेन लेके वर्क को टर्न करना है। फोर चेन लेंगे, 1 स्किप करके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 चेन, 1 स्किप नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 स्किप नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। सेकंड रो को इस तरीके से रिपीट करना है। देखें इस तरह से, ये देखिए सेकंड रो इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से फिर 1 2 3 चेन लेके इस रो को फर्स्ट रो को रिपीट करना है। देखिए 1 स्पेस में डबल क्रोशिया और इसके ऊपर 1 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए थर्ड रो भी बनके कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके वर्क को टर्न करना है और अब 1 1 2 टोटल 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 स्किप नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशिया। वन चेन, वन स्किप नेक्स्ट 3 चेन्स में डबल क्रोशिया। इस तरीके से फोर्थ रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए फोर्थ रो भी इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब फिर 1 2 3 चेन लेके अब यहाँ से इस चेन स्पेस में आना है और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 1 चेन और फिर इस स्पेस में आना है 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिफ्थ रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिफ्थ रो को इस तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5। अब सिक्स रो बनानी है, 1 2 3 चेन लेके अब ये जो चेन स्पेस है इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन फिर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। अब इसी पैटर्न को रिपीट करना है और टोटल ये देखिए थर्ड रो बना रहे हैं, सिक्स रो बना रहे हैं, 7 और 8 रो भी इसी तरीके से रिपीट करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बना रहे हैं, 7 और 8 रो भी इसी तरीके से रिपीट करनी है, यानी कि ये 1 2 3 5 रो का हमें टोटल बनानी है। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 रोज अपने ये शॉल स्टिच की बना कर रह लेती हैं। उसके बाद फिर से हमने हर स्टिच में यानी कि 30 स्टिच थे तो 30 हमने ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर इससे इसी पैटर्न को इसी रो को रिपीट किया, फिर इसके बाद इसको फिर इस रो को और फिर से यही पैटर्न हमारा रिपीट होना। अब इसके इतने से इतनी रो का हमारा पैटर्न ना आकर से तो ये देखिए ग्लास बनाने के लिए मैंने इस तरह से इसके 2 पैटर्न बना के रेडी कर लिए हैं। इसको अपने हैंड के मुताबिक इसकी लाइन बना के रेडी करनी है। अब इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे इस तरीके से इसको फोल्ड करके फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच,
स्टिच फेस को अपने थम तक जाने के लिए, थम होल तक जाने के लिए स्लिप स्टिच करेंगे। वन टू पैटर्न बना लिए। अब ये थर्ड पैटर्न पे आके देखिए इसको, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स स्किप करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स और ये सेवन से। स्टिच करनी है और इसको इसी तरीके से, ये देखिए थंब के लिए स्पेस छोड़ के इसको यहाँ तक स्टिच कर लेना है। इस तरीके से इसको बनाने के बाद यहाँ से अपने वर्क को टर्न कर लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पर वन टू थ्री, थ्री चेन लेके सेम स्टिच में टू डबल क्रोशिया। अब इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। फिर वन टू थ्री चेन सेम स्टिच में टू डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनाते हुए पूरा रंग को कंप्लीट करना है। ये नीचे बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे थंब को बनाना है। ये यहाँ से वन चेन हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया लेके वर्क को कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड रो को भी इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए टू रोज बनाकर थंब कंप्लीट कर लिया है। अब ये डबल क्रोशिया यहाँ पे टू टाइम हाफ डबल क्रोशिया और टू टाइम यहाँ पे ये ज्वाइन में और टू टाइम यहाँ पे। इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए टू रोज कंप्लीट करनी है। क्योंकि ये फर्स्ट रो बना रही हूँ और एक रो और बना के कंप्लीट करनी है। ये देखिए मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। और अगर इसके साथ ही आपको मेरा ये बहुत इजी और खूबसूरत और आसान सा पैटर्न अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोट करें। तो मिलती है नेक्स्ट आप किसी और वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। तो फिर इजाज़त दीजिए, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।